अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, 11th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर हैं और ये गेस्ट पेपर फुल बुक के हैं, मतलब आपको जो चैप्टर वाइज हैं, उसके बाद प्लेस हैं, उसके बाद आप लोगों की पोइम्स हैं, पोइम्स के बाद फिर इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, उनका कलेक्शन है आपके सामने। What was message Norma received from the hospital after pushing the button? Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? तो ये क्वेश्चन है चैप्टर वन के। उसके बाद फिर चैप्टर वन में 9 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर टू है क्लीनिंग इन द स्काई। What kind of person was Jess's father? What did the old man take the step path on more than one path to reach the top? Why did a son at the age of 6 cry? Why had old man planted his secret garden? What were the feeling of the old man at the age of 70? Had the son ever been there before? Uske baad chapter number jo 2011 important short questions hain। फिर चैप्टर नंबर 3 है जी, डार्क द स्काई एंड गोल्डन आइट। व्हाई डिड हैरी वांट टू बिल्ड द रॉकेट? व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो? तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन है। उसके बाद फिर पोइम्स होंगे, फिर प्लेस होंगे। तो सारी के सारी वीडियो आप देखें तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक दफ़ा आप लोग लर्न करें, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका जो 100% सब्जेक्टिव पेपर है उसका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। शर्त ये है कि आप ये सारे जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है इनको एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। इंशाल्लाह फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100% अश्योरिटी के साथ पेपर आपका इसी में से आएगा। इससे हट के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेयर ऑफ वर्ड, कोई भी लेटर, लेटर मखसूस हैं, 6-7 लेटर्स होंगे इंशाल्लाह, और उन्हीं लेटर्स में से आपका जो बोर्ड के अंदर पेपर होने जा रहा है उन्हीं में से लेटर आएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स का भी मखसूस कलेक्शन है इंशाल्लाह, उन्हीं में से पेयर ऑफ वर्ड्स भी बोर्ड के अंदर आएंगे। तो फुल पैक है आप लोगों के लिए, एक दिन में आप इजीली तैयारी कर सकते हैं।